आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं त्रिशला यादव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। आइए रुक करते हैं उत्तर प्रदेश के कुछ खास खबरों की ओर। मथुरा के छाता से विधायक चौधरी लक्ष्मी नारायण छठी बार कैबिनेट मंत्री बने हैं। शुक्रवार को उन्होंने लखनऊ के इकाना स्टेडियम में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में मंत्री पद की शपथ ली। बता दें कि लगातार दूसरी बार उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार में उन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिला है। इस दौरान मंत्री लक्ष्मी नारायण से प्राइम टीवी ने खास बातचीत की है। लक्ष्मी नारायण चौधरी जी हमारे साथ मौजूद है। 6 बार कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश में रह चुके हैं। कल इन्होंने दूसरी बार लगातार उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री पद की शपथ ली है। सर, बहुत शुभकामनाएं सबसे पहले आपको। अब सवाल यह है कि कैसे आगे की रणनीति तय होगी, कैसे काम करें। देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र चुनाव में हमारे हाईकमान ने दिया है, उसके एक एक बिंदु का पालन प्राथमिकता के आधार पर हमारी सरकार करेगी। मथुरा की बात की जाए सर, वहां पर आपने जीत दर्ज की है। पिछली बार कुछ मंत्री वहां से और थे, लेकिन इस बार सिर्फ आपको दारोमदार वहां से दिया गया है। कितना अहम आप मानते हैं मथुरा को, ब्रज क्षेत्र को, और उत्तर प्रदेश में जिस विभाग की आप जिम्मेदारी संभाल रहे थे, अगर वो विभाग फिर से आपको दिया जा रहा है, क्योंकि सुखबुगाहट यही है, तो कैसे जो रुके हुए काम है उन कामों को पूरा किया जाए। देखिए, ऐसा है, हमारी जो पार्टी है वो हमारा कार्यकर्ता बड़ा अनुशासित कार्यकर्ता है। हमें जो भी जिम्मेदारी दी जाती है उस जिम्मेदारी को बखूबी हमारा हर कार्यकर्ता निभाता है। मुझे एक नहीं, 8-8, 9-9 विभाग मेरे पास पहले रहे हैं। जो इस विभाग की जब जिम्मेदारी दी गई उसको हमने हमेशा निभाया है। अब के जो भी जिम्मेदारी दी जाएगी उसको पूरी तरह से निभाने की कोशिश करूंगा और जन जन तक उसका लाभ पहुंचाने की कोशिश करूंगा। एक आखिरी सवाल सर, इस बार थोड़ा विपक्ष भी उत्तर प्रदेश में मजबूत है, कुछ समस्याएं काम करने में होंगी या फिर आप लोग पूरी तरह से तैयार हैं कि कोई कुछ नहीं हमारे सामने? विपक्ष को तो पूरा सबक जनता ने सिखा दिया है, इसलिए हमें क्या समस्या होगी। समस्या तो जनता को हो रही थी, इसीलिए जनता ने उनको सबक सिखाया है। बात करने के लिए तो ये थे लक्ष्मी नारायण चौधरी जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि पहले भी हमने विकास के पथ पर ही काम किया था और इस बार भी आने वाले 5 सालों में हम विकास के पथ पर ही काम करेंगे। कैमरा पर्सन शुभम के साथ मैं नितिन, प्राइम टीवी।